अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। आरोपी गोलू को फांसी की सजा हो, इसके लिए आज वरिष्ठ मालवी रजत दोवी समाज द्वारा मुख्यमंत्री के नाम इंदौर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि आरोपी को जल्द फांसी हो। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक नाबालिग बच्ची के साथ गांव के युवक द्वारा उसे लगातार 2 माह तक मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण वह बच्ची प्रताड़ना न झेल सकी और उसने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आरोपी लगातार 2 माह तक बच्ची के साथ बलात्कार करता रहा, जिसके कारण बच्ची ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। लोग वशिष्ठ मालिक रजक समाज पंचायत इंदौर की तरफ से हैं। हमारे रजक समाज की एक बालिका जो रायसेन जिले में रहती है, उसके साथ एक गोलू राजपूत नाम का लड़का लगातार पिछले 2 महीने से उसके साथ बलात्कार कर रहा था। वो नाबालिग बालिका इतनी परेशान हो गई शारीरिक व मानसिक रूप से, उसने 2 दिन पूर्व आत्महत्या करके अपना जीवन यापन जीवन खत्म कर दिया। इस विषय में हम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम पर संभाग को हम लोगों ने इंदौर नगर गोलू समाज की तरफ से ज्ञापन दिया है कि आरोपी के साथ में फांसी की सजा हो और जो नाबालिग बच्ची मरी है उसके परिवार को आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सहायता दी जाए, यह मांग गोलू समाज करता है।